अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इकरा सईद। चैप्टर नंबर 9 मेमोरी, लेक्चर नंबर 5 है। अब हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली, थेरीज भी पढ़ ली, टाइप्स भी पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि हम किसी भी पर्सन की मेमोरी को मेजर कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि पर्सन की शॉर्ट टर्म मेमोरी में इशू है या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में इशू है। इसके लिए जो है वो हम मेमोरी को डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, ना ही ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, बल्कि हम देखते हैं कि लर्नर परफॉर्म कैसे करता है। तो उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे हम लोग कहेंगे या बताएंगे कि इसकी मेमोरी कैसी है। मेमोरी को मेजर करने के लिए 5 मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ मेथड ऑफ़ रिकॉल, सेकंड मेथड ऑफ़ रिकॉग्निशन, थर्ड रीलर्निंग और सेविंग मेथड, फोर्थ इज़ रिकंस्ट्रक्शन मेथड एंड फिफ्थ वन इज़ क्वालिटेटिव मेथड। फर्स्ट मेथड इज़ मेथड ऑफ रिकॉल। इन दिस मेथड द सब्जेक्ट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक सम प्रीवियसली लर्न्ड रिस्पॉन्स। पहले से जो रिस्पॉन्स याद किए हुए होते हैं पेशेंट ने, वो से रिकॉल करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाइल अपीयरिंग इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट इज़ ऑफन रिक्वायर्ड टू रिकॉल मटेरियल लर्न्ड ड्यूरिंग स्टडी। जब हम पेपर्स दे रहे होते हैं तो उसमें हमने जो मटेरियल लर्न किया होता है स्टडी के दौरान, वो हम रिकॉल करते हैं, मेमोराइज़ करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं और फिर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर करते हैं। मेमोरी में भी मेजर्ड एंड डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अनएडिड रिकॉल, द नंबर ऑफ आइटम्स द सब्जेक्ट कैन रिप्रोड्यूस स्पॉन्टेनियसली एंड विदाउट असिस्टेंस ऑफ एनी काइंड। अनएडिड रिकॉल जो होती है उसमें मेंबर जो है किसी की भी हेल्प के बगैर रिकॉल करता है चीज़ों को, ठीक है। इन अनदर मेजर द एडिड रिकॉल द सब्जेक्ट इज़ प्रोवाइडेड विद क्यूज सच एज स्टिमुलस वर्ड्स फॉर विच ही मस्ट प्रोड्यूस द करेक्ट रिस्पॉन्स वर्ड्स। जबकि दूसरा एडिड रिकॉल होती है जिसमें पर्सन को क्लूज या कोई भी स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाता है या उसको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, एक्सटर्नल हेल्प प्रोवाइड की जाती है और फिर उसके अकॉर्डिंग वो आंसर करता है। तो ये दो टेक्निक्स हैं जो कि यूज़ की जाती हैं, इसको पढ़ लेते हैं। अनएडिड रिकॉल इज़ अ मार्केटिंग टेक्निक टू डिटरमाइन हाउ वेल अ कंज्यूमर रिमेंबर्स एन एडवर्टीजमेंट विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प सच एज क्लूज और विजुअल्स, ठीक है। अनएडिड रिकॉल में इंडिविजुअल को कोई क्लूज या विजुअल या स्टिमुलस नहीं प्रोवाइड किया जाता और देखा जाता है कि उसको किस हद तक कोई भी एडवर्टीजमेंट याद रहती है। जबकि एडिड रिकॉल क्या है, एडिड रिकॉल is a tool to measure the effectiveness of the brand and its recall among the consumers when they are given cues, ठीक है। एडिड रिकॉल में क्यूज एंड स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाता है और फिर देखा जाता है कि पर्सन को कितना एडवर्टीजमेंट या ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन है। मेथड ऑफ रिकॉल इंक्लूड्स 3 सब मेथड्स। फर्स्ट वन इज़ फ्री रिकॉल, सेकेंड वन इज़ एंटिसिपेशन रिकॉल एंड द थर्ड वन इज़ पेयर्ड एसोसिएशन। इन फ्री रिकॉल मेथड द ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टिमुलस आइटम इज़ वेरिड ऑन ईच ट्रायल, ठीक है। मतलब कि जब भी ट्रायल किया जाता है उस पर या कोई भी स्टिमुलस उसको दिखाया जाता है तो उसमें प्रेजेंटेशन, ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो वेरी करता है, चेंज हो जाता है। एंड सब्जेक्ट कैन रीड एंड रिमेंबर द आइटम इन एनी ऑर्डर, और सब्जेक्ट जो है कोई भी आइटम जो है वो किसी भी ऑर्डर में पढ़ सकता है या फिर याद रख सकता है। एंड एग्जाम्पल ऑफ सच अ लिस्ट वुड बी द नेम्स ऑफ द पीपल इन्वाइटेड टू द पार्टी, ठीक है। पार्टी में किसी भी लोगों को इन्वाइट करता है उनके नाम हो सकते हैं। फ्री रिकॉल इज़ ऑफन यूज टू स्टडी हाउ पीपल ऑर्गेनाइज देयर मेमोरी एंड वर्ड स्ट्रेटेजीज आर यूज टू रिट्रीव इन्फॉर्मेशन। फ्री कॉल में ये देखा जाता है कि लोग अपनी मेमोरी को किस तरह से मेमोराइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज़ करते हैं कि इन्फॉर्मेशन को रिकॉल किया जा सके, रिट्रीव किया जा सके। नेक्स्ट इज़ एंटिसिपेशन रिकॉल, द स्टिमुलस आर ऑलवेज प्रेजेंटेड इन द सेम ऑर्डर एंड द सब्जेक्ट हैज़ टू लर्न दैम इन द ऑर्डर इन विच दे आर प्रेजेंटेड। फ्री रिकॉल में था क्या था कि आइटम की लिस्ट जो है वो डिफरेंट हो सकती है, वेरी करती है, जबकि एंटिसिपेशन रिकॉल में क्या है कि सेम ऑर्डर में याद करना होता है और जिस ऑर्डर में प्रेजेंट किया जाएगा ना इंडिविजुअल ने उसी ऑर्डर में उन चीज़ों को याद करना होता है या प्रेजेंट करना होता है। वी यूज़ एंटिसिपेशन रिकॉल व्हेन वी लर्न
लर्न द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड मंथ्स ऑफ द ईयर, ठीक है। और ये मेथड जब हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स याद करने होते हैं तब हम यूज़ करते हैं, और मंथ्स ऑफ द ईयर, क्योंकि अल्फ़ाबेट को हम आगे पीछे करके याद नहीं कर सकते, बल्कि हमने ए बी सी डी ई एफ इसी तरह याद करना होता है। ए के बाद डी हमने याद नहीं करना होता, बल्कि एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर में हम चीज़ों को याद करते हैं। अ कॉमन फाइंडिंग इज़ डैट द आइटम्स एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द लिस्ट आर रिमेंबर बेटर दैन दोज इन द मिडल। दिस इज़ कॉल्ड द सीरियल पोजिशन इफेक्ट। तो सीरियल पोजिशन इफेक्ट क्या हुआ कि इंडिविजुअल जो है वो स्टार्ट के वर्ड्स और एंड के वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा जल्दी याद कर लेते हैं उन वर्ड्स की निस्बत जो कि मिडल में होते हैं, इसलिए इसको सीरियल पोजिशन इफेक्ट कहा जाता है। सो द थर्ड वन इज़ पेयर्ड एसोसिएशन रिकॉल। द मेथड इज़ प्रेजेंटेड विद अ सीरीज ऑफ पेयर्स ऑफ आइटम्स। अब पेयर्ड एसोसिएशन आ गया ना, तो इसमें क्या होगा कि पेयर्स ऑफ आइटम्स प्रोवाइड किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, रेड बाइक, गर्ल हॉर्स, ट्री डॉग। इन सब्सिक्वेंट ट्रायल्स ही और शी इज़ गिवन एनी ऑफ द फर्स्ट आइटम्स ऑफ द पेयर स्टिमुलस। यानी इनको जो पेयर दिया गया था उसमें से हम उसको कहेंगे, एक वर्ड देंगे, एक पेयर का फर्स्ट स्टिमुलस देंगे और कहेंगे कि एंड अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस द सेकेंड आइटम रिस्पॉन्स, और कहा जाएगा कि सेकेंड आइटम या सेकेंड रिस्पॉन्स आपने बताना है। फॉर एग्जाम्पल, हम उसको कहेंगे रेड गर्ल ट्री, ये हम उसको प्रोवाइड करेंगे, तो वो फिर खुद से याद करेगा कि रेड बाइक थी, गर्ल के साथ हॉर्स था, या हॉर्स के साथ गर्ल थी, और ट्री के नीचे डॉग था। तो इस तरह से करके चीज़ों को एसोसिएट करके रिकॉल किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले फ्री रिकॉल था, रिकॉल में चीज़ें, आइटम्स जो हैं वो वेरी करते थे, डिफरेंट थे। एंटिसिपेशन रिकॉल में एक ऑर्डर में चीज़ें प्रोवाइड की गई थी, और पेयर्ड एसोसिएशन रिकॉल में पेयर में स्टिमुलस प्रोवाइड किए गए थे। और इस तरह से करके मेथड ऑफ रिकॉल होता है, जिसमें चीज़ों को मेमोराइज करने का तरीका बताया जाता है। सेकंड मेथड इज मेथड ऑफ रिकॉग्निशन। आफ्टर क्वांटिटेटिव अनदर क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ मेजरिंग मेमोरी इज डेट ऑफ रिकॉग्निशन। इन यूजिंग दिस मेजर द सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज द ओरिजिनल आइटम्स फ्रॉम अमंग अ नंबर ऑफ मिक्स आइटम्स ऑफ द सेम क्लास और कैटेगरीज, ठीक है। मिक्सड नंबर ऑफ आइटम्स दिए जाते हैं जो कि सेम क्लास और कैटेगरी से होते हैं, और हमने सब्जेक्ट को कहना होता है कि आपने ओरिजिनल आइटम जो है वो फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन इज़ वन सच एग्जाम्पल, ठीक है। पेपर में हमें मल्टीपल MCQs दिए जाते हैं, तो उसमें से एक करेक्ट होता है, लेकिन समटाइम्स हम इतने कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें लगता है कि ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो वो सेम क्लास और कैटेगरी से होते हैं, उसमें से हमने ओरिजिनल या करेक्ट आंसर चूज़ करना होता है। थर्ड मेथड इज़ रीलर्निंग और सेविंग मेथड। दोबारा से चीज़ों को याद करना और सेव कर लेना चीज़ों को। द सब्जेक्ट रीलर्न सर्टेन मटेरियल टू द सेम लेवल एज इन द ओरिजिनल लर्निंग, ठीक है। चीज़ों को जिस तरह ओरिजिनली लर्न किया था ना, उन चीज़ों को वो दोबारा से रीलर्न करता है। फॉर इंस्टेंस, सपोज द ओरिजिनल क्राइटेरियन ऑफ लर्निंग वॉज 5 एररलेस रन्स थ्रू अ मेज, ठीक है। पजल बॉक्स जो होता है, मेज जो होता है, उसमें से आपने 5 एररलेस रन्स करनी है, ठीक है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ से 24 hours, द सब्जेक्ट रीलर्न द मेज टू द सेम क्राइटेरियन। इन अदर वर्ड्स, ही प्रैक्टिसेस अंटिल 5 एररलेस ट्रायल्स अकर इन सक्सेशन, ठीक है। इफ ओरिजिनल लर्निंग रिक्वायर्ड 100 ट्रायल्स एंड द रीलर्निंग रिक्वायर्ड ओनली 20, द सेविंग्स इज 80%। तो क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट टाइम अगर हम कोई चीज़ याद करते हैं, तो हमने फॉर एग्जांपल उसको 30 मिनट्स में याद किया, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद हम लोग अपने और कामों में बिज़ी हो जाते हैं, हम और टास्क करने लग जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम फिर से वो चीज़ें लर्न करते हैं, जब उनको रीड करते हैं तो हमें 15 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब हमने याद किया था ओरिजिनल मेथड, तो हमें 30 मिनट्स लगे थे, फिर हमारा बीच में ब्रेक आ गया, फिर जब हमने सेकंड टाइम उसको रीलर्न किया, तो हमारे 15 मिनट्स लगे, क्योंकि हमें वो चीज़ पहले से याद भी थी। तो इसका मतलब यह क्या हुआ कि 15 मिनट्स में हमने उसको रीलर्न किया, और बाकी के जो 15 मिनट्स हमारे पास बचे, वो हमारे पास सेविंग मेथड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या कहा था कि द ओरिजिनल लर्निंग रिक्वायर्ड 100 ट्रायल्स हमें चाहिए थी, एंड द रीलर्निंग रिक्वायर्ड ओनली 20, ठीक है। जबकि हमने चीज़ों को रीलर्न किया, तो हमें 20 ट्रायल्स चाहिए हुई, तो सेविंग हमारे पास कितनी हुई, 80%। 100 थी, 100 में 20% जो है हमने रीलर्न किया, तो सेव हमारे पास कितना हो गया, 80%। तो ये हमारे पास रीलर्निंग और सेविंग मेथड होगा। मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ें हमें पहले से याद होती हैं, उनको जब हम रीलर्न करते हैं, तो हमारा कम टाइम लगता है उनको मेमोराइज करने में। नेक्स्ट मेथड इज़ रिकंस्ट्रक्शन मेथड। दिस मेथड इन्वॉल्व्स रीअरेंजिंग द पार्ट्स ऑफ अ टास्क एज दे वर ओरिजिनली। हम इसमें
हमें टास्क दिया जाता है कि हमने चीज़ों को दोबारा से रीअरेंज करना है. फॉर एग्जांपल वी माइट शो अ सब्जेक्ट 10 सेपरेट पिक्चर्स डैट व्हेन अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टेल अ स्टोरी एज इन अ कॉमिक स्ट्रिप. के 10 हमें पिक्चर्स दी जाती हैं और जब हम उनको अरेंज करते हैं एक ऑर्डर में तो वो एक स्टोरी बताती हैं. देन आफ्टर सम इंटरवल्स द सब्जेक्ट इज़ अगेन प्रेजेंटेड द पिक्चर्स इन रैंडम ऑर्डर एंड आस्क टू अरेंज देम इन टू द प्रॉपर सीक्वेंस. तो मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट को पहले हम पिक्चर्स देते हैं, ठीक है, जब उनको अरेंज करते हैं प्रॉपर ऑर्डर में तो वो एक स्टोरी बताते हैं. फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद हम सब्जेक्ट को फिर से वो पिक्चर्स रैंडम ऑर्डर में देते हैं और हम उसको कहते हैं कि आपने इसको इस तरह से अरेंज करना है कि ये एक प्रॉपर सीक्वेंस बन जाए, ठीक है. जिस तरह बचपन पर हमारे पास वो पजल्स गेम नहीं होती थी, स्टोरी होती थी या एक बंदा बना होता है उसको आपने जोड़ना होता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो वो उस तरह की गेम टाइप होता है जिसको ने अरेंज करना होता है. इस तरह अरेंज करना होता है कि वो प्रॉपर बंदा हम बनाते होते तो इस तरह अरेंज करना है पिक्चर्स को कि वो एक प्रॉपर स्टोरी बन जाए. लास्ट एंड फिफ्थ मेथड इज़ गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट यूज्ड क्वालिटेटिव मेथड टू स्टडी मेमोरी चेंजेस. अदर रिसर्चर फाउंड दैट आवर मेमोरीज रिफ्लेक्ट कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस इन विच मेमोरीज आर रिफ्लेक्टेड बाय द मीनिंग्स गिवन टू इवेंट्स व्हेन वी रिकॉल इंफॉर्मेशन. The memory is affected not only by the direct experience we have had with the stimulus but by our guesses and inferences about its meaning as well. बहुत से साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो क्वालिटेटिव मेथड को यूज़ करते हैं जिसमें गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, और बहुत से रिसर्चर्स कहते हैं कि हमारी मेमोरीज जो हैं वो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस पे रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल कोई भी हमारा इवेंट हुआ होता है जब हम उसको रिकॉल करते हैं या दोबारा से किसी इवेंट को याद रखते हैं तो वो हमारी मेमोरी पे इफ़ेक्ट करता है. डायरेक्ट एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है उसमें इन्वॉल्व हो जो हमारा स्टिमुलस के साथ हुआ होता है, बल्कि हमारे गैसेस और जो हम ख़ुद से उससे एक मीनिंग निकालते हैं या रिज़ल्ट निकालते हैं उस पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल बार्ले शो द सब्जेक्ट एंड ओरिजिनल ड्राइंग देन रिमूव्ड इट, ठीक है. बार्ले ने जो एक्सपेरिमेंट किया था लास्ट थेरीज में हमने पढ़ा था उसमें उसने ओरिजिनल ड्राइंग दिखाई थी सब्जेक्ट्स को और फिर उसने उसको रिमूव कर दिया गया था. द सब्जेक्ट्स वर आस्क्ड टू रिप्रोड्यूस व्हाट दे हैव सीन, और फिर सब्जेक्ट्स को कहा गया था कि जो आपने देखा था उस पिक्चर में उसको आपने रिप्रोड्यूस करना है, यानी ख़ुद से स्टोरी बतानी है. ही ऑब्जर्व दैट द जनरल फीचर्स एंड थीम्स ऑफ ड्राइंग हैव बीन रिटेन्ड बट डिटेल्स हैव बीन चेंज्ड और ओमिटेड. तो फिर उसने सब्जेक्ट्स में ये ऑब्जर्व किया था कि जो उनको पिक्चर्स दिखाई गई थी और फिर से दोबारा से जब उन्होंने पिक्चर को रिप्रोड्यूस किया तो उसमें जनरल फीचर्स और थीम तो थे लेकिन कुछ डिटेल्स जो हैं बहुत माइनर डिटेल्स जो हैं वो या तो चेंज थी या फिर थी ही नहीं, ठीक है. ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स विद द पिक्चर्स स्टोरीज एंड अदर मटेरियल, और इसी तरह की उसने एक्सपीरियंस पिक्चर्स के साथ भी किया, स्टोरीज पर भी किया और बाकी दूसरी चीज़ों पर या बाकी मटेरियल पर भी किया. तो जब लोग चीज़ों को मेमोराइज कर रहे होते हैं या तो उसमें कुछ पार्ट्स वो ओमिट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम भी अपनी कोई स्टोरी सुना रहे हैं तो फिर हम क्या कहते हैं, यार एग्जैक्ट से तो मुझे याद नहीं है लेकिन उस वक्त ये हुआ था हमने ऐसा किया था, ठीक है. वो साथ ये भी कहते हैं कि हमें एग्जैक्ट याद नहीं है. और फिर कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं कि हम उसको मेन इवेंट से लिंक करके याद कर रहे होते हैं कि शायद ऐसा हुआ था और ऐसा नहीं हुआ था. ये हमारे पास 5 मेथड थे जिसके ज़रिए हमने सीखा कि हम मेमोरी को कैसे मेजर कर सकते हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं. कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं. हिट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.